गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएम मोदी के वैक्सीन लगवाने को लेकर कहा कि पीएम मोदी ने टीका लगवाकर भ्रम को तोड़कर विश्वास पैदा किया है। टीका लगवाने से उन विद्वानों के मुंह में ताला लग गया है जो भ्रम फैला रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना वैक्सीन लगवाने पर नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम मोदी के वैक्सीन लगते ही भ्रम फैलाने वालों के मुंह में ताला लग गया है। उन्होंने गुलाम नबी आजाद के द्वारा पीएम मोदी की तारीफ करने पर कहा कि अब हम नहीं कहते, जमाना कहता है। जो नेता परिवारवाद से अलग है वो मोदी की तारीफ करते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता के मां पर हमले को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह की बौखलाहट ममता में दिख रही है उसी का परिणाम है कि हमले हो रहे हैं। सीताराम येचुरी के त्रिशंकु सरकार बनने पर ममता बनर्जी को बीजेपी के साथ आने पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि अब गठबंधन अप्रासंगिक हो चुका है, बंगाल में किसी गठबंधन को कोई फायदा नहीं होगा, भारी बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। टीका लगाकर भ्रम को तोड़ा और लोगों के अंदर विश्वास पैदा किया। टीका लगाकर उन लोगों के मुंह पर ताला लगाया जो वैक्सीन की आलोचना करते थे और कहते थे कि पीएम पहले क्यों नहीं लगवा रहे। उन विद्वानों को ये मालूम ही नहीं था कि मोदी जी के लिए देश पहले है और देश के वो कोरोना वॉरियर्स, वो फ्रंट लाइन वर्कर जिन्होंने इस कोरोना वैश्विक बीमारी से फ्रंट पे आके युद्ध लड़ा, उनके लिए पहली प्राथमिकता वो थी। कांग्रेस के लिए या इस तरह के लोगों के लिए पहली प्राथमिकता उनका परिवार हो सकता है, उनके नेताओं का, लेकिन मोदी जी के लिए देश की जनता है। मोदी जी ने टीका लगवाकर वास्तव में लोगों के विश्वास को बढ़ाया है। सभी नेता जो परिवारवाद की स्थिति से दूर होंगे वो स्वाभाविक रूप से तारीफ करेंगे क्योंकि वो देखते हैं, बाकी तो उनके यहाँ तो वही हैं। ये जो पुतला जला रहे हैं ना, माणक भाई का जलाएं, ये सब ये गोडसे के समर्थक लोग हैं जिन्होंने गोडसे के पुजारी को पार्टी में लिया, वो भी गोडसे के समर्थक हैं। ये सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस गांधी का उपयोग सिर्फ वोटों के लिए करती है, नोटों के लिए करती है, अंबेडकर का उपयोग भी वोटों के लिए करते हैं वो लोग। दो फाड़ हो गई कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोलने पर राजी नहीं है। जिस तरह का आचरण और बौखलाहट, अकुलाहट आदरणीय ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में दिख रही है, ये इस बात का प्रतीक है कि वो आपा खो चुकी हैं और जनाधार खो चुकी हैं, इसलिए इस तरह के हमले हो रहे हैं। एक बुजुर्ग माँ पर, वो तो अपने आप को दीदी कहलवाती हैं, उनको तो कुछ सोचना चाहिए, शर्म करना चाहिए एक बुजुर्ग माँ पर जिस तरह से हमला करवाया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।